नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 दिसंबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। जमीन की रजिस्ट्री कराने को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार का जीविका मॉडल सबसे हिट। बारिश के साथ ही नए साल पर बिहार में बढ़ जाएगी ठंड। बिहार के 37 समेत देश के 520 डॉक्टरों को मिला राष्ट्रीय अवार्ड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन साल की आखिरी कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कुल मिलाकर 14 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसके तहत नेचर सफारी राजगीर के अस्थायी और सुचारू संचालन के लिए रिक्तियां निकाले जाने को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा चार जिले पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी, सहरसा में ROB निर्माण के लिए 233,12,88,000 की राशि की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही पथ प्रमंडल सहरसा के अंतर्गत बरियाही बाजार से सहरसा बाईपास 10.98 किलोमीटर की लंबाई में सड़क निर्माण के लिए 21,76,00,000 स्वीकृति की गई है। वही कैबिनेट ने दरभंगा के औषधि निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले अधिकारियों के कार्यकाल के विस्तार की कोई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि कैबिनेट ने उनकी मंगल भविष्य की कामना की है। पटना हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर निकाली गई भर्तियां। पटना हाईकोर्ट में नौकरी की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी पटना हाईकोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी यह खबर कुछ खास है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में जिला जज के 18 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये पदभार एग्जामिनेशन 2021 के आधार पर भरे जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2022 बताई गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वकालत की प्रैक्टिस करते हुए 7 साल पूरे करने वाले अभ्यर्थियों को इसके योग्य माना जाएगा। इसके अलावा आपको एक पत्र देना होगा, जिसमें ये बताना होगा कि आप पिछले 3 सालों से हर साल कम से कम 24 केसेस में अपीयर हुए हैं, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट के जिला जज पदों पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। STET उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन STET उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान विरोध करने उतरे अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार 2019 में जो विज्ञापन निकाल चुकी है उसका पालन करे और STET उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति करे, जिसके बाद वीरचंद पटेल पथ पर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें खदेड़ भी दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2019 में पास हुए STET शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर राजद कार्यालय के पास बीते दिन जुटे थे। अभ्यर्थियों की माने तो सरकार विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग के संज्ञान में बात लाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं करवाई जा रही, जिसके चलते STET उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने पर मजबूर है। जीविका मॉडल सबसे हिट। बिहार में जीविका दीदी को सरकार अब तक कई जिम्मेदारी दे चुकी है। सरकार ने इसी के तहत जीविका दीदियों को सरकारी अस्पताल में मरीज को भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी थी। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार का जीविका मॉडल सबसे हिट है, केंद्र ने भी इसे अपनाया है। CM नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय में बिहार में 1,27,00,000 परिवार महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं और विभिन्न तरह का काम आत्मनिर्भर हो रही हैं। 10,30,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह जीविका के माध्यम से चल रहे हैं। सरकार भी समय समय पर कई काम इन्हें देती आई है। बिहार में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात होगी टूरिस्ट पुलिस। बिहार के टूरिस्ट प्लेस को अब और ज्यादा सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि जो भी पर्यटक बिहार घूमने आए उन्हें सुरक्षा के लिहाज से कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सभी पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस की तैनाती करने का ऐलान किया है। इस टूरिस्ट पुलिस फोर्स के गठन का निर्णय पुलिस मुख्यालय ने खासतौर से बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, मदद और उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करने के लिए लिया है। जल्द ही ट्रायल के रूप में इसकी शुरुआत बिहार के राजगीर और बोधगया में की जाएगी। इस बात की जानकारी ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है। ADG जितेंद्र गंगवार की माने तो इस टूरिस्ट पुलिस कर्मियों की बहाली अलग से नहीं होगी, बल्कि बिहार पुलिस के जवानों में से ही चुनिंदा पुलिस कर्मियों को इस काम में लगाया जाएगा। सुशासन के धन कुबेर इंजीनियर के यहाँ मिला इतना किलो सोना। बीते दिन निगरानी ब्यूरो की टीम ने एक भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता को 8,00,000 रुपए घूस लेते पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद ब्यूरो की टीम ने उनके आवास की तलाशी भी ली। कंकड़बाग स्थित नूतन टावर के पास उनके 2 फ्लैट में ये तलाशी ली गई। तलाशी में 3 लाख नकद मिले हैं। इसके अलावा 2 किलो 380 ग्राम सोना के जेवरात जब्त किए गए हैं, जिसमें सोने का 10 बिस्कुट, सोने के 18 पीस सिक्के, जिसकी कुल लागत करीब 1,30,00,000 बताई गई है। इसके अलावा जमीन के 5 कागजात, जिसमें गुड़गांव में 5 मंजिला भवन होने का
पता लगा है। नोएडा में दो व्यवस्था, एक दुकान के कागजात भी मिले हैं। इसके साथ ही 16 बैंक खातों का पता चला है, उसमें 27 लाख रुपए जमा है। बारिश के साथ ही नए साल पर बिहार में बढ़ जाएगी ठंड। दिसंबर के महीने में जिस तरीके की ठंड आमतौर पर लोगों को महसूस होती है, इस बार आलम उसके ठीक उलट है, क्योंकि इस बार ठंड का मौसम तो है लेकिन ठंड का प्रभाव इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच बारिश के कारण ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है। बीती शाम की बात करें तो राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली, जिसके कारण नए साल में ठंड बढ़ने की पूरी उम्मीद अब बनती दिखाई दे रही है। वहीं आज भी कई जिलों अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में संभावित बदलाव के कारण नए साल की पूर्व संध्या और नए साल पर सर्दी का सितम बढ़ सकता है। सफारी, नेचर सफारी और इको पर्यटन के लिए जल्द ही होगी बहाली। वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से नेचर जू सफारी और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में पदों के सृजन की तैयारी हो रही है, जिसके तहत राजगीर जू सफारी के स्थायी और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 29 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में इको पर्यटन संभाग के स्थायी और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 224 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। इसके साथ ही सफारी के स्थायी और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 38 पद के सृजन और विभिन्न कोटि के 15 वाहनों के क्रय की स्वीकृति भी मिल गई है। वार्ड सचिव के हंगामे को देखते हुए जदयू कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। राजधानी पटना में बीती सोमवार को वार्ड सचिव की तरफ से स्थायी नौकरी की मांग समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हुई झड़प के बाद जदयू कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसके तहत ही बीते दिन से जदयू कार्यालय के पास बड़ी संख्या में पुलिस बलों को लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 1 लाख से अधिक वार्ड सचिव की नियुक्ति की गई थी। इन वार्ड सचिवों का आरोप है कि लगातार 5 साल काम करने के बाद 1 रुपया भी निराशि नहीं मिला है। उनका यह भी कहना है कि अब सरकार उन्हें हटाकर नए वार्ड सचिव की नियुक्ति करने जा रही है। वार्ड सचिव की माने तो उनकी नियुक्ति को स्थायी किया जाए और वार्ड सचिव को हटाने संबंधी पत्र भी वापस लिया जाए। जमीन की रजिस्ट्री कराने को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में हो रही गड़बड़ी खत्म करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम में जुट गई है, जिसके तहत सरकार ने न सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया बल्कि दाखिल खारिज के नियमों में भी बदलाव करने का फैसला लिया है। दरअसल बिहार में जमीन विवाद के मामले अपराध की घटनाओं के पीछे प्रमुख कारण बताए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ही सरकार लगातार जमीन रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और भू राजस्व संग्रहण के तौर तरीकों में बदलाव कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न क्षेत्र निबंधन कार्यालय में 24 दिसंबर तक 1,27,000 निबंध दस्तावेज लंबित पड़े हैं, यानी निबंधन होने के बावजूद उनके मालिक मूल कॉपी लाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मध्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग अमीन के निष्पादन में जुट गया है। खुद का वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सरकार दे रही है 1,00,000 रुपए। प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए बिहार सरकार अब इच्छुक लोगों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिसके तहत ही सरकार ने आवेदकों को 3,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है। सबसे खास बात यह है कि इस योजना का लाभ कैसे प्रखंडों को मिलेगा, जहां पर पेट्रोल पंप और वाहन सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है, जिसके तहत यह प्रखंड पर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इच्छुक आवेदक 15 जनवरी 2022 तक विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को दे सकते हैं। क्लब का चयन 17 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। वहीं 25 जनवरी 2022 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही होगा पूरा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर को नववर्ष के तोहफे के रूप में 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इसको लेकर हरी झंडी दे दी गई है। केंद्र सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। 1,300 करोड़ की लागत में बनने वाले इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.7 किलोमीटर बताई जा रही है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर रोपवे के पास उतरने और चढ़ने के लिए रैंप भी बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजगीर के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शुमार राजगीर 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर रोड को भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर रोड गया, राजगीर और बिहार शरीफ राजमार्ग का हिस्सा होगा। बताया जाता है कि राजगीर के एलिवेटेड रोड कॉरिडोर रोड के नीचे से अंडरपास 4-लेन वाली हाईवे भी गुजरेगी। बिहार के 37 समेत देश के 520 डॉक्टरों को मिला राष्ट्रीय अवार्ड। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 96 वार्षिक कॉन्फ्रेंस में बिहार के 37 समेत देश भर के 520 डॉक्टरों को आईएमए का राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जीएल जियालाल ने सभी को राजधानी के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में यह अवार्ड दिया है, जिसपे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के 1, असम के 14, बंगाल के 43, बिहार के 37, छत्तीसगढ़ के 4, दिल्ली के 12, गोवा के 3, गुजरात के 30, हरियाणा के 31, जम्मू और कश्मीर के 2, झारखंड के 20,
समेत अन्य डॉक्टर को और देश भर के 520 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है। एसकेएम में आयोजित आईएमए के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार एहसान कुरेशी और गायिका कुहू ने अपनी प्रस्तावित प्रस्तुति से समा बांध दिया। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएमए का यह अवार्ड सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाले बिहार में बीपीएससी की तरफ से निकाली गई वैकेंसी के लिए नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार। बिहार में सरकारी नौकरी की खोज में लाखों युवा हर साल किसी न किसी परीक्षा का हिस्सा जरूर बनते हैं और ऐसे में अगर किसी सरकारी विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली जाए और आवेदन ही ना आए ये चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा सच में हो रहा है क्योंकि बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन निकाले जा रहे हैं लेकिन कोई आवेदक ही नहीं मिल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञान और प्रावैधिक विभाग के अंतर्गत साल 2020 में विज्ञापन निकाला था। यह विज्ञापन राज्य की अभियंत्रण महाविद्यालय में प्राध्यापक के 40 पद के लिए निकाला गया था। इन पदों के लिए शुरू में कुछ आवेदन तो आए लेकिन आखिरी दौर में इंटरव्यू के वक्त सभी गायब हो गए। 29 जुलाई को इन पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया था लेकिन बुलाए गए आवेदकों में से कोई नहीं आया। इसके बाद बीपीएससी ने संबंधित विभाग को इसकी अधियाचना वापस कर दी थी। बच्चों को लगने वाले वैक्सीन को लेकर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। बिहार में 3 जनवरी से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने वाली है। वहीं इस अभियान के शुरू होने से पहले सीएम नीतीश ने बीते दिन अहम बात कही है जिसके तहत उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने को लेकर हम लोग जल्द ही बैठक करने वाले हैं। बैठक के बाद ही उस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 15 से 18 साल उम्र के बच्चों को फिलहाल कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा। स्कूल के पहचान पत्र के जरिए बच्चे टीका लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेंगे। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद बने आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार के मशहूर डॉक्टर सहजानंद प्रसाद को आईएमए का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है जिनकी ताजपोशी पटना के बापू सभागर में आईएमए नेटकॉन 2021 का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत पूरे देश भर से आए डॉक्टर मौजूद रहे। इन सभी की मौजूदगी में डॉक्टर सहजानंद प्रसाद के नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने जो भी मुझ पर विश्वास किया है उस पर खड़ा उतरने का भी पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए आईएमए के जितने मेंबर हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिहार में अगले साल सजेगा चुनावी अखाड़ा। नए साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि चुनाव से बिहार भी नए साल में अछूता नहीं रहने वाला है क्योंकि 5 सीटों के लिए चुनाव का आयोजन होगा। जदयू, राजद और भाजपा के कई महत्वपूर्ण लोगों का कार्यकाल राज्यसभा में अगले साल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। जुलाई में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इसी तरह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर मीसा भारती की भी रिपीट होने की खबर सामने आ रही है। उनका कार्यकाल भी अगले साल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। इनके अलावा गोपाल नारायण सिंह, सतीश चंद्र दुबे का कार्यकाल भी अगले साल खत्म हो रहा है। वहीं जदयू के राज्यसभा सदस्य किंग महेंद्र के निधन के बाद उनकी सीट पर उपचुनाव होना है। लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस ही है इसका सहारा। बीते दिन बिहार कांग्रेस ने अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान सेवा दल और बिहार प्रदेश कांग्रेस के कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के संविधान के बारे में सारी जानकारी दी और उन्हें शपथ भी दिलवाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस खतरे में कांग्रेस देश को जरूर बचाएगी। इतना ही नहीं, मदन मोहन झा ने इस दौरान यह भी अपील की है कि हम सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े। जिस तरह अभी लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी ही पार्टी है जो उसका प्रतिकार कर सकती है। तेज प्रताप यादव ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर कसा तंज। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए जहां एक तरफ बिहार सरकार दिन रात एक करके काम कर रही है वहीं दूसरी तरफ इस कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर ही तंज कसे जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में सीएम नीतीश कुमार द्वारा शराब पीने वालों को बिहार नहीं आने की नसीहत देने के बाद तेज प्रताप यादव ने उन पर तंज कसा है जिसके तहत तेज प्रताप यादव ने कहा कि राज्य के बॉर्डर पर खुद मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को खुद ही बॉर्डर पर डंडा लेकर बैठ जाना चाहिए और पीकर आने वालों को वहीं पर रफ्तार कर लेना चाहिए। कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मिली मंजूरी। कोविड-19 के नए वेरिएंट से उपजी चिंताओं के बीच राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारत में दो और कोविड-19 के नए वेरिएंट से उपजी चिंताओं के बीच राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारत में दो और कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञ समिति
से कोविड 19 वैक्सीन उपयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक दिन में तीन दवाओं को स्वीकृति दी है। इन दो वैक्सीन के अलावा एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर को भी मंजूरी दे दी गई है। आरके सिन्हा ने राज्यपाल से की मुलाकात। भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने बीते दिन राजभवन में बिहार के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान से मुलाकात की और उन्हें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 41वें महाधिवेशन कार्यक्रम के उद्घाटन हेतु उनसे अनुरोध किया, जिस पर महामहिम राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। मुलाकात के बाद सिन्हा ने बताया है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन अपना स्थापना के 203 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है। बिहार के समस्त साहित्य प्रेमियों की तरफ से महामहिम से अनुरोध किया गया कि 12 फरवरी को सुबह 11 बजे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में 41वें महाधिवेशन का उद्घाटन कर कृतार्थ करें। सर्दी बुखार वाले बच्चों को नहीं दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत बच्चों के टीकाकरण केंद्र को अलग रखने की बात तो कही गई है। इसके साथ ही साफ किया गया है कि सर्दी बुखार से पीड़ित बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 30 मिनट तक सेंटर पर ही ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव प्रशांत भूषण ने राज्यों को निर्देश दिया है कि बच्चों की सूची तैयार कर 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारी के साथ हुई बैठक के बाद अब राज्य को अपने स्तर से तैयारी करने को कहा गया है। हालांकि अभी तक बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आईडी को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं 1530 में उसका उत्तराधिकारी बना। कलकत्ता में 1972 में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 1983 में टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए। कांग्रेस ने 1984 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीता था। इस चुनाव में 28 सीटें जीतकर तेलुगु देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक और ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर का जन्म 1917 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ। राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक और यूनानी पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम अजमल खान का 1927 में निधन आज ही के दिन हुआ था। अंडर 19 एशिया कप में कोरोना की एंट्री, भारत का ग्रुप मैच हुआ रद्द। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मंगलवार को यहां चल रहे अंडर 19 एशिया कप का अंतिम ग्रुप मैच दो अधिकारियों के कोविड 19 से संक्रमित पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत बांग्लादेश से होगी। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि गुरुवार को होने वाले सेमीफाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्रुप बी के अंतिम मैच में 32.4 ओवर का खेल हो चुका था। अब दो अधिकारियों के कोविड 19 नतीजा पॉजिटिव आने के बाद मुकाबले को रद्द कर दिया गया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,370 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,890 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार राहुल, मनीष मोहरा, विजय घायल, गौतम कुमार, काजल कुमारी, अखिलेश यादव, जितेंद्र रविदास, गौरी कुमारी, अक्षय कुमार, पॉल प्रतीक्षा, रघुनाथ प्रसाद, राकेश सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का आयोजन होना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।